भारत सरकार का उद्यम है और यहाँ आप जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं वो 100% मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित हैं और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा ही बनाए गए हैं। आर्मी चाहे या कोई भी सुरक्षा कर्मी चाहे कि कहीं एक जगह पे कुछ ड्रॉप करना है, डिस्ट्रॉय करना है, वो भी हो सकता है। अब उन्होंने अगर मेडिसिन कैरी करनी है या कुछ और कैरी करना है वो तो हम बता सकते हैं, उसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं हम तो ड्रोन देंगे। सबने ऐसे नॉर्मली सबको पता है सीपीआर यहाँ पे हार्ट के ऊपर रख के देते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास डिवाइस है। आपको प्रॉपर जगह पे प्लेसिंग करना है आपके हैंड को, आप कितना कॉम्प्रेस कर रहे हो, कितने रेट से आप दे रहे हो, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मुझे पता नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिनों का इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो लगा और इस एक्सपो में आपको दिखता है वो आधुनिक हथियार जिससे हमारे जवान दुश्मनों से लोहा लेते हैं, वो इक्विपमेंट जिससे हमारे जवानों की जिंदगी सुरक्षित रहती है, और ये सब भी दिखता है कि अगर लड़ाई के मैदान में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे अटैक हो रहा अगर कोई जवान घायल हो जाए तो उसका बचाव कैसे हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। वेपन देख रहे हैं बगल में लगा हुआ मैग, ये इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाता है, ये वेपन दिया जाता है। ये वेपन जो है 7.62x51 कैलिबर का वेपन है, ये माउंटिंग ट्राइपॉड के साथ है। इस वेपन का वेट दोनों मिला करके 19 kg के अप्रॉक्स है। आप ये देख रहे हैं ये माउंटिंग ट्राइपॉड है, 7-8 kg के आसपास इसी का वेट है, 11 kg के आसपास इसका वेट है और कैलिबर सेम है 7.62x51। अब अगर हम इस गन की बात करें तो इसमें भी जो कैलिबर है 7.62x51 कैलिबर है, बट आप देखें इस गन और इस गन में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी हल्का है ये, काफ़ी हल्का है ये, हाँ। तो ये मतलब इस पर्पज़ से बनाया गया है कि कैसे हम सेम कैलिबर का एमिनिशन यूज़ करते हुए थोड़ा लाइट वेट का वेपन बनाएं। तो हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप देखें ये जो 7.62 कैलिबर का जो एक राइफल पहले था हमारे पास, वो हमने MHA को भी दिया हुआ है, इंडियन आर्म्स फोर्सेस के पास भी है। तो हमने क्या किया, वो जो LMG थी कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ फीचर्स उसके लिए राइफल के और कुछ फीचर्स इसके लिए, और दोनों को मिला करके एक वेपन तैयार किया हुआ है। ये LMG बेल्ट फेड है, जैसे एक स्पेसिफिकेशन में मैं बताऊँ, जैसे जो LMG थी वो उसमें मैगजीन थी, 30 round मैगजीन आती थी, यानी 30 round की मैगजीन लगी, यूज़ किया, उसके बाद मैगजीन चेंज करनी पड़ती थी। हम और इसमें आप देख रहे होंगे बेल्ट फेड है, तो हमने क्या किया ये फीचर इसमें ले आए, अब इसमें से मैगजीन हटा दिया और ये यहाँ पे अब 7.62 कैलिबर का बेल्ट फेड एमिनिशन यूज़ होता है। अब एक बॉक्स जो बेल्ट होता है वो पूरा कितना, 235 का एक पूरा एमिनेशन बॉक्स होता है, वो लगाया एक बार में मोर देन 200-300 एक मिनट में कितने फायर होंगे, हाँ रेट ऑफ फायर होता है, इस सारे वेपन का एक रेट ऑफ फायर होता है, जैसे इसका और रेट ऑफ फायर 800+-50 ये होता है, मतलब लेट से 850-750 तक ये जा सकता है आगे, राउंड्स पर मिनट हाँ, मींस मतलब अगर हम 800 पकड़ रहे हैं तो 800 राउंड्स पर मिनट ये फायर करेगा। भारत सरकार का उद्यम है और यहाँ आप जितने प्रोडक्ट देख रहे हैं वो 100% मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित हैं और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा ही बनाए गए हैं। हाँ, जैसे ये एक वेपन है 9x19 कैलिबर में, आपने जो मैंने वहाँ बताया आपको 7.62x51 कैलिबर बुलेट्स जो एमिनेशन होती हैं उसका एक कैलिबर, जैसे अब देखें ये 9x19 मशीन पिस्टल है। अब अगर इस मशीन पिस्टल, ये कार्बाइन का हमारा रिप्लेसमेंट है, अब इसमें क्या है कि ये जो ये एल्युमिनियम अलॉय बॉडी पे है, इसका वेट 2.3 kg अप्रॉक्स है, अपने सेगमेंट में 9.9x19 कैलिबर वेपन में, ये वेपन जितने वेपन मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है। ये हमारा एक अभी एक डिफेंस नॉन डिस्क्लोज्ड, उसके लिए हमने ये प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसमें कि 20 किलो की पेलोड कैपेसिटी है और साथ में ये 8 घंटे मिड एयर रह सकता है 1 सिंगल फ्यूल सिस्टम पे। मतलब
मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8 घंटे एक बार में ये उड़ सकता है, 8 घंटे तक उड़ सकता है 20 किलो का वजन लेकर, और इसका खुद का वजन कितना है? 40 से 45 किलो के बीच में। अच्छा, अब अटैचमेंट्स के साथ बैटरी है इसमें? बैटरी और फ्यूल दोनों है। अच्छा, राइट सर। और ये ऊपर वाला? और ये ऊपर वाला हमारा छोटा मॉडल है सर्वेलेंस के लिए, जिसमें कि 2.5 से 3 किलो का पेलोड कैपेसिटी है और ये 2.5 घंटे हवा में रह सकता है। सेम वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जैसे इसमें है उसमें भी अवेलेबल है, और ये भी सर्वेलेंस या मेडिसिन या इस टाइप की चीज़ें कैरी कर सकता है। इसमें एक सिस्टम होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स की हेल्प से इसमें एक ऑटोमेशन सेटअप कर देते हैं कि इसको यहाँ से टेक ऑफ करना है और यहाँ पर जाके लैंड करना है, ये एरिया ये गेट इसका ट्रैक फॉलो करना है, तो वो कहीं से भी हम इसमें फीड करके और ये अपने आप उड़ेगा, अपने आप जाएगा, अपने आप लैंड कर देगा, या मिशन कंप्लीट करके या कुछ भी सप्लाई करना है उसको ड्रॉप करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। चूंकि ये पुलिस एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो है एक तरीके से, तो ये सर्विलांस के अलावा भी इसमें कुछ प्लान है आप लोगों का कि अगर मान लीजिए कि इसमें कल को आर्मी चाहे या कोई भी सुरक्षा कर्मी चाहे कि कहीं एक जगह पे कुछ ड्रॉप करना है, डिस्ट्रॉय करना है, वो भी हो सकता है? अब उन्होंने अगर मेडिसिन कैरी करनी है या कुछ और कैरी करना है वो तो हम बता सकते हैं, उसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं हम तो ड्रोन देंगे उसके, वो कर लेंगे। तो हम लोग ये व्हीकल चंडीगढ़ में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बना रहे हैं जो कि अभी इसी साल शुरू हुआ है। सो अब तक हमने 96 जो व्हीकल्स हैं वो इंडियन आर्मी को हम डिलीवर कर चुके हैं। क्या कहते हैं इस गाड़ी को, क्या नाम है? इस गाड़ी का नाम है सर एटोर N1200। एटोर का मतलब है ऑल ट्रेन ऑफ रोड व्हीकल। ये एम्फीबियस व्हीकल है, कहीं भी जा सकती है, पानी में, स्नो में, मड में, रेगिस्तान में, दलदल में, कहीं भी जा सकती है सिवाय उड़ने के सारे काम कर सकती है। सो अभी ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। लेकिन जब ये डिफेंस के काम में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कामों में भी हो ही सकता है, लेकिन मान लीजिए डिफेंस के हिसाब से अगर बात करूँ तो आपने कहा कि आपने आर्मी को दिया है, तो ये बुलेट प्रूफ भी है कुछ? नहीं सर, इस टाइम तक ये अटैक हो जाता है तो नहीं। इस ये एक्चुअली जो हमारी आर्मी के जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। उनकी रिक्वायरमेंट है सर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये अभी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, तो उस तरीके के लिए बनाई गई है। ये है कि किसी भी तरह के सिचुएशन में ये जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी। एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पर कोई और व्हीकल या पर्संस जहाँ जाते हैं जिनको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए आप पैदल किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या रेगिस्तान में जा रहे हैं, वहाँ पर आपके अपने अंदर इतनी फैटिक हो जाती है कि आप उस डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते जितना आपको चलना चाहिए। सो अगर आपके पास ये व्हीकल है, इसमें एसी लगा हुआ है, इसके अंदर अपना ऑटोनोमस हीटिंग भी है, जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ के लिए हीटिंग है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ के लिए एसी लगा हुआ है। सो जो टाइम होता है हमारा किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, हम उसी टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। रेगिस्तान में आपको कोई जाता हुआ दिख रहा है या आपको कोई सस्पिशियस पर्सन नज़र आ रहा है, आपको उसको पहुँचने में टाइम लगेगा अगर आप ऊँट के ऊपर हैं। ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो आप बड़े आसानी से उसके पास पहुंच के और अपना जो टैक टाइम है उसको बहुत कम कर सकते हैं। मेरा नाम जगजीत सिंह है, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर फॉर द टेक्निकल पार्ट, आई एम फ्रॉम नेक्सिकॉम टेक्नोलॉजीज। सो जैसे अभी हम देख रहे हैं जो प्रॉब्लम सेट में जो इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस फेस कर रही है, जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के, दे आर लिमिटेड टू वॉइस कम्युनिकेशन ओनली, तो हमारे जो सिस्टम्स हैं उनमें कैपेबिलिटी की दैट कैन ट्रांसमिट लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एज वेल। सो आप एक सोल्जर को एक कैमरा के साथ अटैच करके लाइव वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं अप टू ए रेंज ऑफ 1 to 2 किलोमीटर फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड ऑपरेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड द डिसमाउंटेड सोल्जर। ये जो डिसमाउंटेड सोल्जर है ये रेडियो सेट है, ये रेडियो सेट एंटीना के साथ कनेक्टेड है, एंटीना के साथ प्लस कैमरा कनेक्टेड है यहाँ पर। ये सारा जो डेटा है ये एक हब यूनिट के थ्रू हम मोबाइल फ़ोन में दे रहे हैं। सो एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप एक दूसरे सोल्जर्स जो एक ऑपरेशन पे निकले उसकी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग प्लस वॉइस कम्युनिकेशन प्लस द टैक्टिकल डिस्प्ले, जो सिचुएशनल अवेयरनेस में जो डिटेल्स ये होते हैं जैसे GPS लोकेशन चाहिए होता है, मैसेजिंग चाहिए होती है, वो सारा डिटेल आपको मोबाइल में मिलेगा। एक मिनट मैं पूछता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आसान है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रुप है वो किसी मिशन पे निकला है, मिशन पे निकला है ना, तो एक जवान है उसके पास आपका ये इक्विपमेंट है, बिल्कुल, तो उससे क्या क्या होगा? कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट होगी, दूसरे सोल्जर को लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग मिलेंगे दूसरे सोल्जर्स की। अगर कहीं पे एक कैंप है जहाँ पे स्टॉप अधिकारी बैठे हैं उनको भी मिलेगा? हाँ जी, इस कैमरे से जो दिखेगा वो वहाँ उनको दिखेगा वायरलेसली, प्लस
और भी अदर डिटेल जो सेंसर्स होते हैं, जैसे चैटिंग चाहिए होती है आपको, प्लस जो एटैक की फीचर्स, जो कॉट फीचर्स होती है, कर्सर ऑन टारगेट, जैसे अभी आपके सामने एक एनिमी आ गया, आपको अपने कमांड सेंटर में बताना है कि एनिमीज ओवर देयर और बाकी सोल्जर्स को दिखाना है, तो एक कर्सर बटन दबाने से वो सारे अलर्ट मैसेज आपके दूसरे मोबाइल फ़ोन्स पर चले जाएंगे और वो सारा डिटेल शेयर हो जाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको एक डिसमाउंटेड सोल्जर का किट दिखाया था, जहाँ पे आपको टैबलेट में सारी चीज़ें मिल रही है, लोकेशन मिल रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग मिल रही है, सारी कुछ। अभी आप वो सारी किट लेकर नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जिसमें मैं एक छोटी सी डिवाइस लेके जाऊँ, तो ये वाला डिवाइस आप यूज़ करके, ये है एक्सिकॉम HUD यूनिट। सो ये वाला डिस्प्ले आप यूज़ करके आपके लेंस के सामने आपको लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग मिलेगी, प्लस इसके सामने एक फ्रंट में कैमरा भी है, तो ये कैमरा के थ्रू, रेडियो के थ्रू आपके दूसरे सोल्जर्स को आपकी फीड भी दिख जाएगी। यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ ये IR सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर आप रात को निकल रहे हो तो रात की फीड दिखने के लिए, लाइट के लिए, एंड प्लस इसके सामने आपको GPS लोकेशंस भी मिलेगी जो दूसरे सोल्जर्स के। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ जो कैमरा लगा है, हाँ जी, इससे जो सामने से दिखेगा, हाँ जी, मुझे यहाँ ग्लास में दिखेगा? नो, क्योंकि आपको तो वैसे ही विजन दिख रही है, आप चाहते हो कि आप जो देख रहे हो वो दूसरे सोल्जर जो आपके साथ जा रहे हैं उनको दिखे, सो दैट, हाँ जी। तो अभी जैसे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो एक ऑपरेशन पे जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि राइट लेफ्ट में जो भी हो वो उनको विजन पे भी है, तो वो आप देख सकते हो। मेरा नाम विजय पांचाल है, फ्रॉम बायोट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रॉम मुंबई। अच्छा, ये क्या मॉडल लेटा है सामने, थोड़ा इसको समझाएंगे? एक्चुअली ये जो है, ये कॉम्बैट, जो रियल फील्ड, जो टेररिस्ट अटैक या फ्लड की सिचुएशन आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो कहीं इंजर्ड होंगे, तो वहाँ पे ऑन फील्ड पे आप कौन सी प्रोसीजर करके उन्हें बचा सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे है एग्जांपल वन, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे गोली लग गई चेस्ट पे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी कि आपको पहले थोड़ा टाइम मैं आपका बचा के हॉस्पिटल लेके जाऊँ, बट वो टाइम आपको बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ड्रेन मैं करूँगा, तो जो क्लॉटिंग ब्लड होगा वो यहाँ से ड्रेन करके निकल जाएगा, तो आपके पास थोड़ा टाइम आ जाएगा कि मैं आप हॉस्पिटल को मुझे लेके जा सके। तो वैसे ये सर्टेन बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो आप ऑन फील्ड वहाँ पे लेके जाके कर सकते हो। कोई ये बिना कोई आप लोगों के बैकग्राउंड के बिना कोई होगा तो नहीं कर पाएगा, मतलब कोई आम आदा नहीं। वही एक्चुअली क्या है, जो भी ये परचेस का मामला है, अगर आप वहाँ पे छेद करेंगे ना, आप ये कर रहे हैं या यहाँ पे भी करेंगे, अब ये जैसा लगा हुआ है, तो ये इसकी ट्रेनिंग होती है कैसे? ट्रेनिंग होती है, एक्चुअली क्या है कि जो भी परचेस करता है हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। परचेस करने वाला क्या है? ये पूरा जो मैनिक्विन है ना, वो परचेस होता है। एग्जाम्पल, इस्तेमाल कैसे होगा? मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली एग्जाम्पल कहीं पे वॉर हो रहा है, ठीक है, कई सोल्जर पे गोली लगा है, बट जो साथ में जो सोल्जर होगा उनको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ, तो उनको उन्होंने बचाने के लिए। हाँ, तो उन्होंने पहले इस पे ट्रेनिंग लिया होगा। ओके। तो उसके अंदर उसके ये इसकी ट्रेन से वो वहाँ पे वो कर सकते हैं। समझ गया, जैसे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले लोग पहले वहाँ पे डेड बॉडी को चीर के फाड़ के ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि वो आगे जाके सर्जरी कर सके। उसी तरीके से अगर आर्म फोर्स का कोई जवान है या अगर कोई आर्मी का फोर्स है जो अपने कोई जवानों को ऐसे ट्रेन करना चाहता है, तो वो इस मॉडल पे पहले ट्रेनिंग लेगा। यस, बेसिकली सबको पता है CPR कैसे देते हैं, देखा है लोगों ने टीवी में, वीडियो में, पता नहीं है किसी को। नहीं, बताइए। मैं एक चीज और मैं यहाँ कैमरे पे कह दूं कि जो इन्होंने अभी बताया ना वहाँ पे कट लगाना और तमाम चीजें, तो ऐसे किसी वीडियो को देख करके नहीं ट्राई करना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि उससे किसी का जान जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आपको चाहिए भी तो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ करके ट्रेनिंग लेकर के तभी आगे आजमाना है। ऐसे हमारा वीडियो देख के या किसी और का वीडियो देख के नहीं करना है। अब इसका CPR का जरा मुझे समझाइए। अभी सबने ऐसे नॉर्मली सबको पता है CPR यहाँ पे हार्ट के ऊपर रख के देते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास डिवाइस है, आपको प्रॉपर जगह पे प्लेसिंग करना है आपके हैंड को, आप कितना कंप्रेस कर रहे हो, कितने रेट से आप दे रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने आज तक किया नहीं है, बट मुझे पता है कि ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो मैं अभी कर रहा हूँ। कहाँ आया? राइट साइड, गलत साइड जा रहा है। तो अभी ये मैं अभी मुझे पता चला कि थोड़ा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर जगह है, अभी भी थोड़ा राइट है, ठीक है, राइट है, हाँ, अभी मैं बीच में कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कौन सी जगह है, बट जो पहले ट्रेनिंग जो लेंगे उनको बहुत बेनिफिट है। और ये जो है,
यहाँ पे रेड दिखा रहा है और यहाँ पे ग्रीन रेड येलो ऐसे आपका वो कलर में आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रॉपर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ओके तो रेड क्यों आ गया? रेड क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तेज कर दिया, जोर से कर दिया ना इसके लिए। तो क्या होता है अगर आपने प्रॉपरली रेड से नहीं किया तो जो पसली होती है वो भी टूट जाती है, आप बचाने गए और नुकसान हो जाएगा। तो ये उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं इसको, चूंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इसको आजमा के तो देख सकता हूँ एक बार ऑन कैमरा कि मुझे आता है कि नहीं, या मैं कर पाता हूँ कि नहीं आपके मशीन से। तो ये मैं करके देखता हूँ कि इनके सिस्टम पे मैं कितना गलत कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किया नहीं है। तो उसको करके एक बार देखते हैं, ठीक है। ये आपने कहा कि ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ पे रखिए मिडिल में, ठीक है, ये ऐसे रहता है ना, हाँ जी, और इससे करते हैं, इससे करते हैं, ये दोनों स्ट्रेट। अच्छा स्ट्रेट, हाँ। अभी यहाँ पे आप देखिए, अच्छा, ज्यादा हो गया ये, ज्यादा, हाँ। आपका प्लेस प्रॉपर है बट फोर्स बहुत ज्यादा लग गया। अच्छा एक बार फिर से शुरू करते हैं इसको, हाँ। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। ये ऐसे बांधा मैंने, आपने कहा इसको स्ट्रेट रखना है, ये जगह होती है बीच वाली ना, हाँ, ये, हाँ, ये जगह है, मैंने अपने हिसाब से तो सही रखा है, करके देखते हैं, हाँ। सही प्लेस कर, अब थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, ये देखिए नीचे आ गया, हाँ, नीचे अब नीचे पहुंचे, थोड़ा सा ऊपर है, अब ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये जो आपका रेड आ रहा है ना, वो आपको रेगुलरली जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ हाउ इट है, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, अभी या तो जगह गलत मैं ले रहा हूँ या फिर ज्यादा जोर लगा दे रहा हूँ। आपको पता है कि आपको सीपीआर देखा है आपने किया, हाँ, है, बट प्रैक्टिस नहीं किया है, हाँ, ठीक है, आपको जगह पता होनी चाहिए, उसका कंप्रेशन रेट पता होना चाहिए, तो बहुत जरूरी चीज है। तो ये आप लोग स्कूलों में और बाकी जगह टाई अप करके भी दे रहे हैं चीजें? नहीं अभी जैसे मेडिकल कॉलेजेस में है, फिर आपके डिफेंस में है, तो वो लोग परचेज कर रहे हैं, वो लोग कितना महंगा है ये सर्विस? अगर कोई आपसे मान ली कोई स्कूल हमारे वीडियो को देख करके कोई स्कूल संपर्क करना चाहे, हाँ, कि भाई हमारे बच्चों को आकर के ट्रेनिंग दे दीजिए, तो कितना कॉस्ट लगता है इसका, खास तौर पे इसका? ये अगर फुली परचेज के अराउंड 1.5 लाख, और अगर ट्रेनिंग के लिए दैट वी विल डिसाइड कैसे करना, बट इसकी कॉस्टिंग 1.5 लाख। लेकिन कॉस्ट लेके कोई क्या करेगा? कॉस्ट लेकर फिर भी तो ट्रेनिंग आप ही को देनी पड़ेगी, हाँ, ट्रेनिंग तो आप ही को पड़ेगा, हाँ, एक बार हम बता देंगे, बट उसके बाद वो डेली प्रैक्टिस करेगा, अपने उसे आइडिया हो जाएगा। सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हम ट्रेनिंग देंगे, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते उसके बाद वो खुद उनको करना है। चलिए, मुझे इस एक्सपो में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये लगी है। थैंक यू।